सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल बाबा इंडिया ऑफिशियल को और इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों ये है सैमसंग M10 का बॉक्स और बॉक्स इस बार हमें कम्प्लीटली चेंज देखने को मिल रहा है क्योंकि ऐसे बॉक्स हमको सैमसंग की तरफ से देखने को नहीं मिलते हैं। बॉक्स के फ्रंट साइड पे है फ़ोन का पिक्चर, यहाँ लिखा है M10। करते हैं इसको बैक साइड में तो यहाँ पर लिखे हैं कुछ की हाईलाइट फीचर जैसे कि इन्फिनिटी वी डिस्प्ले, ड्यूल कैमरा और स्लिम डिज़ाइन। अगर हम बात करते हैं नीचे की तरफ तो कुछ और की हाईलाइट फीचर देखने को मिल जाते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे और आगे। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ड्यूलोस, मतलब ये ड्यूल सिम फ़ोन होने वाला है। और इसके नीचे की तरफ आपको MRP और बॉक्स में क्या क्या कॉन्टेंट देखने को मिलने वाले हैं उनकी डिटेल। तो ये था बॉक्स का ओवरव्यू, चलिए जल्दी से कर लेते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स और देखते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी M10 हमें कैसा देखने को मिलता है। तो बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमको देखने मिलता है एक एनवलप जहाँ पे होगा इस फ़ोन की डॉक्यूमेंटेशन और कुछ और मैनुअल बुक्स। रखते हैं इनको साइड में। इसके बाद हमें देखने मिलता है एक फ़ोन जो कि हमारे पास अवेलेबल है ब्लू कलर में। रख लेते हैं इसको भी एक बार साइड में और चलते हैं बॉक्स कंटेंट की तरफ। बॉक्स में हमें सबसे पहले देखने मिलते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन जहाँ पे है क्विक स्टार्ट गाइड, एक रीजनल लॉक गाइड और एक वारंटी कार्ड डिटेल, एक सिम इजेक्टर टूल, एक डेटा केबल जो कि है माइक्रो USB पोर्ट में और एक चार्जर जो कि आता है 5 वोल्ट और 1 एम्प की आउटपुट रेटिंग के साथ में। और दोस्तों ये है सैमसंग का M10। सबसे पहले बात करेंगे इस फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में क्योंकि ऐसा डिज़ाइन हमने सैमसंग के पहले बजट वाले फ़ोन्स में नहीं देखा है। जी आप देख सकते हैं बैक साइड से आपको मिलने वाला है ये ग्लॉसी फिनिश के साथ में जैसा कि अभी ट्रेंड है। और डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम लुक का ये फ़ोन मुझे देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात कर रहे हैं फ्रंट साइड की तो यहाँ पर आपको मिलता है एक छोटा सा नॉच जो कि होने वाला है इन्फिनिटी वी नॉच जो कि सैमसंग ने इसे पहले किसी फ़ोन में नहीं दिया। तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि अगर हम बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो यह फ़ोन आपको मिलने वाला है एक पॉलीकार्बोनेट बॉडी से बना हुआ लेकिन काफ़ी सॉलिड बिल्ड है, काफ़ी ड्यूरेबल देखने को मिल रहा है और इसका जो ग्रिप है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो नो डाउट डिज़ाइन के लिए तारीफ़ करनी होगी सैमसंग की कि बजट फ़ोन्स में भी हमें अब सैमसंग की तरफ से ऐसा डिज़ाइन देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब ले लेते हैं इस फ़ोन का फिजिकल ओवरव्यू और फिर करते हैं हम इस फ़ोन को ऑन। तो सबसे ऊपर की तरफ आपको मिलेगा फ्रंट कैमरा जो कि आपको इन्फिनिटी वी नॉच में देखने को मिलेगा। करते हैं इस तरफ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वॉल्यूम अप डाउन की, इस तरफ दिया गया है पावर की और अगर हम करते हैं इस साइड तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक सिम ट्रे। चलिए इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है ड्यूल सिम प्लस मेमोरी कार्ड का सपोर्ट, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा यह फ़ोन सपोर्ट करता है ड्यूल 4G वोल्टी को, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और बॉटम साइड में हमें देखने को मिल जाता है एक चार्जिंग पोर्ट जो कि है माइक्रो USB। इसके साइड में दिया गया है 3.5 जैक और इस तरफ आपको देखने को मिल जाता है एक प्राइमरी माइक। और बैक साइड में हमें मिल जाता है ड्यूल गियर कैमरा सेटअप जो कि है 13+5 मेगापिक्सल का। इसके नीचे दिया गया है एक LED फ्लैश, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सैमसंग का ब्रांडिंग और नीचे की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है स्पीकर ग्रिल। तो ये था इस फ़ोन का फिजिकल ओवरव्यू, चलिए कर लेते हैं इस फ़ोन को ऑन और फिर हम देखते हैं कि सैमसंग के गैलेक्सी M10 का परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिलता है। तो चलिए जब तक इस फ़ोन का सेटअप कम्प्लीट हो जाता है हम देख लेते हैं इस फ़ोन के क्विक स्पेसिफिकेशंस। यह फ़ोन आपको मिलता है एक्जीनोस के 7870 चिपसेट के साथ में जो कि एक ऑक्टाकोर CPU है जहां पे आपको मिलेगा 2GB और 3GB रैम का ऑप्शन और स्टोरेज भी आपको रैम के अकॉर्डिंग 16GB और 32GB देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं डिस्प्ले की तो इस फ़ोन में दिया गया है 6.2 इंचेस का एक HD+ डिस्प्ले जहाँ पर आपको मिलता है 19.5:9 का स्क्रीन रेशियो। बात कर रहे हैं अगर हम कैमरे की तो यहाँ पर आपको मिलता है 13+5 मेगापिक्सल का एक ड्यूल रियर कैमरा सेटअप और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। 3400mAh का बैटरी दिया गया है और सिक्योरिटी के लिए इस फ़ोन में आपको मिल जाता है फेस अनलॉक का फीचर। तो आप देख सकते हैं फ़ोन हो चुका है ऑन और ये है सैमसंग गैलेक्सी M10 का होम स्क्रीन। सबसे पहले बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले की क्योंकि यहाँ पर सैमसंग की तरफ से मिलने वाला पहला ये फ़ोन है जो कि इन्फिनिटी वी डिस्प्ले के साथ में आता है। तो आप देख सकते हैं इस फ़ोन में आपको काफ़ी कम बेजल देखने को मिलते हैं साइड की तरफ से और अगर हम बात करते हैं नीचे की तरफ से तो चिन काफ़ी छोटा है तो यहाँ पे हमें फुल व्यू डिस्प्ले का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं डिस्प्ले साइज़ का तो यहाँ पे मिलने वाला है 6.22 इंचेस का एक HD+ TFT डिस्प्ले। जी हाँ यहाँ पर जो पैनल दिया गया है TFT है लेकिन अगर हम बात करते हैं व्यूइंग एक्सपीरियंस की तो वो आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है
क्योंकि इस फ़ोन का जो प्राइस है वो काफ़ी कम रखा गया है, तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिलने वाला है। बात करें फ़ोन की UI की, तो आपको बता दें इस फ़ोन में आपको मिलता है सैमसंग का एक्सपीरियंस UI, जहाँ पे दिया गया है 9.5 वर्जन। और सैमसंग के अकॉर्डिंग ये काफ़ी क्लटरफाई UI है, जिससे आपको एप्लीकेशन लॉन्च टाइम और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं सेटिंग की तरफ और देखते हैं इस फ़ोन की और इन्फॉर्मेशन। तो हम आ गए हैं इस फ़ोन के अबाउट फोन के सेक्शन में, जहाँ पर सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड का वर्जन जो है वो है एंड्रॉयड 8.1 मीस ओरियो के साथ में आपको ये मिलता है आउट ऑफ बॉक्स। और अगर हम बात कर रहे हैं बाकी चीज़ों की, तो सैमसंग एक्सपीरियंस वर्जन हमने आपको बताया जो कि है 9.5। नीचे की तरफ देख सकते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल जाती हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं एंड्रॉयड की सिक्योरिटी पैच की, तो वो दिया गया है 1 जनवरी 2019 का। चलते हैं इस फ़ोन की स्टोरेज की तरफ। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यह फ़ोन आपको मिलता है दो स्टोरेज वेरिएंट के साथ में, 16GB और 32GB। हमारे पास ये अवेलेबल है 32GB वेरिएंट के साथ में, जहां पर आपको फ्री स्पेस देखने को मिल जाता है 23.4GB का, मतलब लगभग 8GB का स्पेस ऑलरेडी यूज़ किया गया है। अब चलते हैं इस फ़ोन की सिक्योरिटी की तरफ। तो आपको बता दें इस फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो चलिए फेस अनलॉक को रजिस्टर कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिलता है। तो मेरा फेस रजिस्टर्ड हो गया है इस फ़ोन के साथ में, चलिए देख लेते हैं कि इसका फेस अनलॉक कैसा काम करता है। तो मैं लेके आता हूँ इसे लॉक करके अपने फेस की तरफ और ये अनलॉक, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, ये अनलॉक। जी हाँ, कुछ एक सेकंड का टाइम ज़रूर लेता है, लेकिन ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है और मुझे ये सैमसंग के पहले वाले डिवाइस से काफ़ी फास्ट लग रहा है। आप देख सकते हैं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, मैं लेके आता हूँ अपने फेस की तरफ और ये अनलॉक। जी हाँ, काफ़ी क्विक है, लेकिन यहाँ पर हमें लॉक स्क्रीन देखने को मिलती है। किन्हीं किन्हीं फ़ोन्स में लॉक स्क्रीन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये सैमसंग के पहले वाले डिवाइस से काफ़ी फास्ट है। चलिए अब बात करते हैं कैमरा की। तो आपको बता दें इस फ़ोन में आपको मिलता है 13+5 मेगापिक्सल का एक ड्यूल रियर कैमरा सेटअप, जहाँ पर आपको प्राइमरी सेंसर मिलता है 13 मेगापिक्सल का, और वो आपको मिलता है f1.9 अपर्चर के साथ में, जबकि जो उसका सेकेंडरी सेंसर है 5 मेगापिक्सल का, वो एक वाइड एंगल सेंसर है, जहाँ पर आप 120 डिग्री तक भी अल्ट्रा वाइड शॉट ले सकते हैं। तो चलिए कुछ पिक्चर्स ले लेते हैं जल्दी से और फिर हम देखते हैं कि इसका कैमरा क्वालिटी हमें कैसा देखने को मिलता है। तो ये हैं कुछ कैमरा सैंपल जो कि हमने लिए हैं इस फ़ोन के रियर और फ्रंट कैमरे से। सबसे पहले बात करते हैं रियर कैमरे की। तो ये इमेजेस आप देख सकते हैं जो कि ली गई है ऑटो मोड में, और यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी पिक्चर्स देखने को मिली हैं। जी हाँ, जैसा कि सैमसंग कह रहा था कि आई एम सोशल, और वैसा ही हमें यहाँ पर कैमरा क्वालिटी देखने को मिल रहा है। पिक्चर्स काफ़ी ब्राइट एंड शार्प है और कलर सैचुरेशन भी प्रॉपरली काम कर रहा है। और अगर हम बात कर रहे हैं वाइड एंगल फोटोज़ की, तो ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं। जी हाँ, पिक्चर फ्रेम काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर आप अप टू 120 डिग्री तक फोटोज़ ले सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं पोर्ट्रेट मोड की, तो इसका जो पोर्ट्रेट मोड है वो सिर्फ ह्यूमन फेस को डिटेक्ट करके ही पोर्ट्रेट पिक्चर देता है, अदरवाइज ये बहुत अच्छे से काम नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि सैमसंग को इसके लिए कोई अपडेट देना चाहिए ताकि ये फिक्स हो जाए। और फ्रंट कैमरे की पिक्चर्स के लिए मैं कहूँगा कि यहाँ पर हमें एक एवरेज कैमरा देखने को मिलता है, तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा मुझे एवरेज कहना पड़ेगा, लेकिन जो इसका रियर कैमरा है काफ़ी अमेजिंग काम कर रहा है। बात करते हैं इस फ़ोन के परफॉर्मेंस की। तो आपको बता दें यह फ़ोन आपको मिलता है एक्जीनोस के 7870 चिपसेट के साथ में, लेकिन यहाँ पर अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि एक्जीनोस का 7870 चिपसेट फिर से दे दिया सैमसंग ने इस फ़ोन में। लेकिन अब बात ध्यान देने वाली यह है कि ये 14 नैनोमीटर का एक ऑक्टाकोर चिपसेट है, जो कि आपको मिल रहा है बहुत ही कम प्राइस में। तो नो डाउट इस प्राइस के अकॉर्डिंग इस फ़ोन में आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है। बाकी इसकी परफॉर्मेंस के लिए आगे हम काफ़ी सारे वीडियोस करने वाले हैं, तो उनके लिए आप स्टे ट्यून रहिएगा। बात करते हैं इस फ़ोन की बैटरी की। तो यहाँ पर आपको मिलता है 3400 mAh का बैटरी, जो कि मुझे लगता है कि एक दिन का बैटरी बैकअप।